नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ तब राहुल टीम इंडिया के कप्तान थे, लेकिन मैच से पहले राहुल के चोटिल होने के बाद पंत को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया, जिसके बाद टीम इंडिया के साथ एक अनोखी कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जिसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अब से पहले कभी नहीं देखा गया। कहानी टीम इंडिया के कप्तानों की, कहानी टीम इंडिया के कप्तानों के बदलाव की। कुल मिलाकर अगर हम आपको साफ शब्दों में बताएं तो पिछले 12 महीनों में टीम इंडिया ने आधा दर्जन कप्तान बदल दिए, जो अब से पहले भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कम देखा गया है। अब ये संयोग है या फिर टीम इंडिया का प्रयोग, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्रिकेट के जानकार इतने कप्तानों के बदलाव से थोड़ा हैरान जरूर है। और सबसे बड़ी हैरानी यह है कि ये सभी कप्तान राहुल द्रविड़ के इस कार्यकाल के दौरान बदले गए। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सभी 6 कप्तानों के बारे में बताएंगे। तो इस कहानी का पहला पन्ना विराट कोहली के कप्तानी से लिखा गया, जब T20 विश्व कप के बाद विराट कोहली कप्तान थे। विराट के कप्तान के तौर पर बड़ा बदलाव हुआ और विराट के बाद रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया गया था। इस बीच अजिंक्य रहाणे ने भी नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी की, लेकिन अब रहाणे की भी जगह टीम इंडिया में खतरे में नजर आ रही है। द्रविड़ के ही इस कार्यकाल में श्रीलंका दौरे पर शिखर धवन को कप्तान बनाकर भेजा गया, लेकिन उसके बाद से धवन भी लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। साउथ अफ्रीकी दौरे पर स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने भारतीय टीम के लिए 3 वनडे और 1 टेस्ट मैच में कप्तानी की। हालांकि राहुल की कप्तानी में टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राहुल को भी टीम इंडिया ने कप्तानी के तौर पर आजमाया था। और अब जब राहुल चोटिल हो गए हैं तो पंत को टीम इंडिया की जिम्मेदारी देकर टीम मैनेजमेंट ने 1 साल के अंदर 6 कप्तान बदलकर सभी को हैरान कर दिया। अब ये कप्तान बदलना संयोग है या फिर टीम इंडिया का प्रयोग, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 साल के अंदर इतने कप्तान बदलना थोड़ा हैरान जरूर करता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर इतने बदलाव पहले कभी देखे नहीं गए। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि इतने कप्तान बदलने से टीम इंडिया का कुछ भला हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।